इसलिए हर आदमी को चाहिए कि भगवान का भजन करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए और गाय का घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी घी नहीं खाता। एक जगह धूप कंजूस रे, एक बड़का एक छोटका। बड़का कंजूस में छोटका करके घी खाए जा रहे करके घी खाए छे के कत्ता घी खा जाए एक साल ना। छोटका कंजूस ने करके एक साल में 100 ग्राम घी खाए छे। कल के 100 ग्राम घी केना खाए छे करके घी के बोतल में रखे छे दाल बनी जाए छे पतला रंग के सिक्की बोतल में दक निकाल सिक्की दाली हरियाम घुमाई दे छे। एक साल चल छे छोटका कंजूस ने बड़का करके तो कितना खाए छे करके हम 25 ग्राम घी ले छु 3 साल चल छे। छोटका कंजूस बड़का कंजूस करके कि 25 ग्राम घी 3 साल तक केना खाए छे करके घी के बोतल में रखे छे ठेपी लगले रहे छे दाल बनी जाए छे बोतले दाली हरियाम घुमाए के फरू बोतल रखी दे छे 3 साल। सज्जन और काम में कंजूसी हो जाए हो जाए भजन करने में गाय की घी खाने में कंजूसी नहीं करना विचार और काम में लेट हो जाए हो जाए। हर आदमी को चाहिए जितना जल्द हो गुरु से शिक्षा लेके भजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बूढ़ा हो गए तब भजन बूढ़ा होइएगा तो भजन होगा। कुछ दिन बीते बालापन में कुछ दिन बीते जवानी में कुछ दिन बीते आई बुढ़ापा बुद्धि गई चुल्हानी में जैसे भूले गाय संग बछरू भूले कुट्टी सानी में कहे कबीर सुनो भाई साधु भक्ति करो जवानी में रही शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षत नभ तारे मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जे सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल के निरमल ज्योत जरत घट माहे देखत दृष्टि दोष सब छी अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होय सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमंगी अमीर से
अरख पार लखी लाग लगे छिन छिन सूरत आधर पर राखे गुरु पर साद अगम से पीजे दमकत करक करक गुरु धाम उलटिया गुरु शांति शांति।